नमस्कार NYS इंडिया में आपका फिर एक बार स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त निखिल आज आपको लाया हूँ प्रयाग की नगरी प्रयागराज में। जी हाँ, ये वही इलाहाबाद है, इसे इलाहाबाद कहें या प्रयागराज, अगर यहाँ पर इस गंगा और यमुना के संगम पे आप अगर आएंगे तो आपको अलग ही अद्भुत यहाँ पर शांति का अनुभव होगा। ये प्रयागराज, अगर ये इसको क्यों कहा जाता है और इसकी क्या महत्वता है ये तो जानकार ही बता पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संगम पे जब हम आते हैं दो नदियों के मेल को जब हम देखते हैं, एक का पानी थोड़ा हरा है और एक का पानी थोड़ा सा मटमेला सा है, क्यों भाई साहब? हाँ। तो एक अलग सा अनुभव होता है जब दो संगम मतलब दो सभ्यताएं यहाँ पर मिलती हैं, तो क्या तो अद्भुत वो नजारा होता है। आपने शायद इस वीडियो शुरू होने से पहले आपने देखा होगा, हमारे साथ हैं जो हमें संगम का दृश्य दिखा रहे हैं, हमारे साथ जो नदी को ये इस नाव को चला रहे हैं, आपका नाम क्या है भाई साहब? मुकेश जाकेवट। मुकेश भाई ने ये पूरा हमें समझाया और पूरा घुमाया है, तो हमने सोचा कि शायद मुकेश भैया से कुछ बात कर ली जाए। कब से आप नाव चला रहे हैं यहाँ? बचपना से चला रहे हैं। अच्छा, तो ये साइबेरिया जो पक्षी हैं, आप हमने ये कैमरा चालू होने से पहले आप हमें बता रहे थे, ये कब आते हैं यहाँ पर? और सर्दियों में आती है, गर्मियों में चली जाती है। अच्छा, सर्दियों में आती है और गर्मियों में चली जाती है। क्या क्या खाते हैं? काफी लोग यहाँ पर नमकीन और ये नमकीन खाता, पूरी खाता, पराठा खाता है। अच्छा, पूरा तेल से बनी हुई चीज खाते हैं, मतलब अगर नॉर्मल चीज रोटी वोटी खिलाए तो नहीं खिला खाते नहीं खाएगा। अच्छा, मतलब अलग ही इनका स्वाद होता है। अलग। और आप बताइए कि क्या महत्व है यहाँ पर संगम का, क्यों काफी लोग, आप तो काफी समय से यहाँ पर नाव चला रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये यमुना जी है जिसमें अपन घूम रहे हैं और वो गंगा है। हाँ। गंगा जी है, तो इसका पानी क्यों हरा होता है और वो पीला क्यों होता है? ये जमुना जी है। अच्छा, जमुना हरा जी है। हाँ जी, गंगा जी मटमैला रहेगा उसका। अच्छा, सरस्वती लुप्त इसी मार्ग है। अच्छा, सरस्वती भी नदी यहाँ पर होती है। हाँ। और वो नीचे से बहती है। हाँ। यहाँ पे बताते हैं नीचे से बहती है। अच्छा अच्छा, चलिए, तो ये मुकेश जी थे और जिन्होंने हम लोगों को बताया कि क्या यहाँ पर विशेषताएं हैं, और काफी पब्लिक यहाँ पर आती है, आप देख सकते हैं आइड साइड और कितना जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। खासकर मुझे दिलचस्प इस बात का लगता है कि ये साइबेरियन पक्षी जब यहाँ पर आते हैं, और इस यमुना नदी में आप देखिए कि कोई नमकीन डाल रहा है, कोई उनको दाने डाल रहा है, दाने नहीं खाते, तेल का बना हुआ कुछ भी आइटम हो वो डालते हैं और वो खाते हैं चाव से, और ये पूरे साल भर मतलब ठंड ठंड ही रहते हैं। हाँ, ठंड। अच्छा, वो गर्मी में चले जाते हैं, चले जाते। बारिश में रहते हैं? हाँ, बारिश में भी यही रहते हैं। नहीं, ठंड भर में बस, केवल ठंड में 4 महीने रहते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए, तो ये थे मुकेश जी और ये है संगम का दृश्य, आपने देखा होगा कितना काफी खूबसूरत है, हम तो लुत्फ उठा ही रहे हैं, आप कैमरे में देख करके या वीडियो देख करके लुत्फ उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके साथ था निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया।